देश में अगस्त के बाद अब सितंबर महीने में भी जमकर बारिश होगी। सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सितंबर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन मानसून की स्थिति बिहार में कुछ नाराज चल रही है। मानसून के चौथे और आखिरी महीने में भी बिहार में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सोनी कुमार के अनुसार आज भी बिहार में बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं जताई गई है। कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। वैज्ञानिक सोनी कुमार की माने तो मानसून का ट्रफ लाइन अपने सामान्य जगह से दक्षिण की तरफ खिसक गया है। इसी कारण मध्य भारत में बारिश हो रही है। पछुआ हवा के मजबूत होने और बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के बिहार की बजाय मध्य भारत के ऊपर से गुजरने के कारण भी बिहार से बारिश रूठी हुई है। आलम यह है कि पिछले 3 महीनों में बिहार में इतनी बारिश नहीं हुई जिससे किसान खेती कर सके। धान की फसल को बचाने के लिए किसानों को कृत्रिम साधन पर निर्भर रहना पड़ा। सितंबर के महीने में भी कुछ खास उम्मीद नहीं है। मानसून की ट्रफ लाइन गंगानगर, दक्षिण उड़ीसा और इससे सटे छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसका प्रभाव बिहार पर पड़ने की कोई संभावना नहीं है। यही कारण है कि आज यानी 2 सितंबर को उत्तर बिहार में बारिश जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दक्षिण बिहार में बूंदाबूंदी के आसार हैं। यानी आज 2 सितंबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार के अनेक स्थानों में मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली जिले के एक या दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण बिहार के सभी जिलों के एक या दो जगहों पर कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबूंदी होने के आसार दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर मानसून बिहार से रूठ गई है और बिहार में सितंबर महीने में भी बारिश ना के बराबर होगी। मौसम विभाग के द्वारा लगातार अनुमान लगाए जा रहे हैं और अनुमान ये लगाया गया है कि अगस्त का महीना बीत चुका है और सितंबर की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक बिहार में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। 4 महीने के दक्षिण पश्चिम मानसून का अधिकांश समय अब बीत चुका है, लेकिन बिहार में मानसून की चाल धीमी ही रही। जून और जुलाई में तो मानसून काफ़ी कमज़ोर रहा, अगस्त में थोड़ी राहत मिली, लेकिन सितंबर में फिर से बारिश की कमी देखने को मिल रही है। IMD के मुताबिक पूरे मानसून सीजन में अब तक बिहार में सामान्य से 25% कम बारिश हुई है। IMD के मुताबिक अगस्त में सामान्य से कम बारिश हुई और सितंबर में भी यही स्थिति बनी हुई है। दक्षिण बिहार के जिलों में बारिश ना के बराबर है, जबकि उत्तर बिहार में हल्की बारिश हो सकती है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।